अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये ना हो कि आप लोग वीडियो देखें और फिर 9 तो 11 हो जाए। वैसे तो खैर, आज कहने की बात ये है कि आज कोई न्यूज़ तो है नहीं, समझ नहीं आ रही कि मैं आज का भाषण किस बात पे दूं। इकोनॉमी तो हमारी एकदम मस्त चल रही है, आपको मालूम ही है कि अल्लाह का दिया और कर्जों पे लिया हमारे पास सब कुछ है। उसके बाद एजुकेशन, तो एजुकेशन पे क्या शो करें, एजुकेशन क्या भला का नाम है, ये होती क्या है। और हेल्थ सेक्टर तो हमारा बहुत अच्छा है। आप लोग जानते ही हैं कि दूर दूर से, दूसरी कंट्रीज से लोग आते हैं हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और अभी आपने देखा ही है कितने सारे अमेरिकन फौजी जो हैं वो आ गए हैं। तो अभी मैंने एक यूथिया से पूछा, एक यूथिया आप जानते हैं जो यानी पीटीआई का सपोर्टर होता है, जो आजकल गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट करने वाले को हम यूथिया कहते हैं। तो जी, एक यूथिया से मैंने पूछा कि आखिर ये जो बाइडेन कॉल क्यों नहीं कर रहा भाई, इतनी कौन सी महंगी कॉल पड़ जाएगी उसको, और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल ही फ्री होती है। लेकिन खैर, इनके पास तो वैसे ही बड़ा पैसा है अमेरिका के पास, तो ये आराम से इमरान खान साहब को कॉल कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो बता दें, खान साहब यहाँ से कॉल कर लेंगे, तो रिसीव करने के तो कोई इतना मसला नहीं है। और फिर झूठ तो हम बोल ही देते, तो हम कह देंगे जो बाइडेन ने कॉल की, कौन जाके चेक कर रहा है कॉल हमने की है कि उसने की है। तो वो यूथिया कहने लगा कि जो बाइडेन जो है ना, वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का आदमा आदमी है, वो उनकी मर्जी के बगैर कोई काम कर नहीं सकता, पपेट प्रेसिडेंट है। तो मैंने कहा वाह वाह वाह। मैंने उस यूथिया का पूरे 100 मार्क्स दिए उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि कितना कॉन्फिडेंट होके वो ये बता रहा है कि जी जो बाइडेन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, उसको इस्टेब्लिशमेंट लाई है अमेरिकन, और वो पपेट प्रेसिडेंट है। ये बात सुनी सुनी सी लग रही है, एक दो वर्ड इधर के उधर कर दिए उसने, लेकिन कहीं और भी मैंने सुना था, कोई और भी किसी को पपिट कह रहा था, हेड ऑफ स्टेट को पपिट कहा जा रहा था, और ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। पता नहीं कौन कह रहा था, लेकिन खैर, हमें क्या जी, हमें तो उल्टी सीधी बातें करने की आदत है नहीं, ना ही हम किसी की बुराइयां करते। तोबा तोबा तोबा, हमें तो बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं है फजूल की बातें करने की। तो ये लोग है ना, ये इसी तरह की बातें करते हैं। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी बहुत सारे अमेरिकन फौजी जो हैं उनको यहाँ पे रख दिया गया है, 3,000, 3,500 हमने सुना है कि आ गए हैं। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैंने कहा था कि ये शहबाज गिल साहब हैं, इनकी वीडियो भी आपने देखी है, वो आलू पालक वाली। तो इनके बारे में यही था कि काश उस आलू पालक की डिश के साथ इनकी दादी अम्मा ये आलू भी इंडिया में ही छोड़कर आ गई होती, तो ज्यादा बेहतर होता और हम लोगों को यहाँ पे आराम रहता, कम से कम इस तरह के नमूने नहीं होते। खैर, बात हो रही थी जी जो अभी कश्मीरी लीडर एक, उनकी डेथ हुई है, सैयद जो गिलानी साहब हैं उनके बारे में, सैयद अली गिलानी साहब के लिए बहुत यहाँ पे बात की जा रही है पाकिस्तान में, कि जी सिर्फ दो चार लोगों को जाने दिया गया, उनके जनाजे में लोगों को नहीं जाने दिया गया, ये वो जुल्म किया भारत ने, भारत यही करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, मैं भी कहती हूँ हाँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत बात है। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि नवाब अकबर बुगटी साहब को जब परवेज मुशर्रफ ने जो है वो, आप सब जानते हैं जिस तरह से बलूचिस्तान में मारा गया था, ये आपको मैं उनके जनाजे की पिक्चर दिखा रही हूँ नवाब अकबर बुगटी के, आप देख सकते हैं कितने लोग इसमें खड़े हैं। यानी उनकी फैमिली को भी नहीं जाने दिया गया था, बहुत थोड़े से लोगों को जाने दिया था उससे पहले, उनसे यानी नवाब अकबर बुगटी साहब से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनके उनको जब फांसी दी गई उसके बाद उनके जनाजे में किसी को जाने नहीं दिया गया, सिर्फ उनकी जो फैमिली के दो चार लोग थे उन्हीं को परमिशन मिली कि वो जा सकें। तो कोई मुझे ये बताएगा कि जो काम आप खुद करते हैं वो अगर कोई दूसरा करता है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? पहले तो अपने आप को ठीक कीजिए ना। आपने भुट्टो साहब के टाइम पे भी जो जिस तरह से उनकी फैमिली को और लोगों को नहीं जाने दिया था जबकि वे काफी बड़े लीडर थे, नवाब अकबर बुगटी साहब की तो मैंने आपको उनके जनाजे की पिक्चर भी दिखा दी है कि कितने लोग इसमें आपको खड़े नजर आ रहे हैं और आपने नहीं जाने दिया। तो उसके बाद अगर भारत में कुछ होता है तो फिर आपके ऊपर इतना जो है नौटंकियां क्यों होती हैं? सबसे पहले
आप वो चीज अपने आप बंद कीजिए, वो हरकतें अपनी ठीक कीजिए, फिर किसी और को बोलने के काबिल होंगे कि हाँ बिल्कुल बात कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी ने गलत किया है तो आप उस पर बात करें, उनको बोलें, लेकिन उससे पहले कम से कम वो हरकतें खुद तो करनी बंद कर दें, वरना किस मुंह से बात करते हैं आप लोग, मुझे तो हैरत हो जाती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी आपको दिखाते हैं ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी सैलरी जितनी कम होगी कयामत के दिन हिसाब उतना ही कम देना पड़ेगा। मतलब वाह 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 खान साहब, क्या बात की है आपने, यानी पब्लिक कम से कम सैलरी अपनी कर ले ताकि लेती रहे और कोई चूं चा ना करे, तो जी बड़े ही जबरदस्त किस्म का जो है वो काम हो जाएगा। लेकिन आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये देखें किस तरह से शाह साहब मिल रहे हैं ना, तो शाह साहब जो हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है उसके रहते आपने देखा ही है कि पूरी दुनिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारे टर्म्स हैं, वो ऑलमोस्ट सभी के साथ खराब हो चुके हैं, लेकिन शाह साहब को कोई परवाही नहीं है। शाह साहब जी ताज लगा के तो बादशाह सलामत बन के बैठे हुए हैं। खान साहब की बात अगर हम करें, इमरान खान साहब की बात करें, तो देखिए जी इमरान खान साहब गए थे किसी हॉस्पिटल में, जैसे होता है जी प्राइम मिनिस्टर ने अचानक से विजिट किया और वहाँ पे चीज़ें चेक की कि किस तरह से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो वो ये एक्सरे देख रहे हैं और शायद ये एक्सरे देखकर जिस बच्चे की एक्सरे है वो ये चेक कर रहे हैं कि इसकी राइट साइड की पॉकेट में 200 रुपये रखे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है ये बच्चा भी हमें डोनेशन दे सकता है, क्योंकि खान साहब को आपको मालूम ही है कि दिल के बहुत अच्छे हैं और हर किसी से बड़े खुले दिल के साथ डोनेशन मांग लेते हैं और ये आदत उनको बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। तो एक पिक्चर और मुझे मिली थी और ये मेरे ख्याल है खान साहब जब आगे 25-30 साल और के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के, तब शायद ये जबकि तस्वीर किसी ने अभी बना दी है। तालिबान बदल चुके हैं, तालिबान अब पहले वाले तालिबान नहीं रहे हैं, तालिबान अब बहुत सिविलाइज हो गए हैं। उसका एक नमूना आप ये देख सकते हैं, ये तालिबान जो है वो च्युइंगम खा रहे हैं और बिल्कुल आपको ये खुशबाश नजर आ रहे हैं और बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जी किस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं, तालिबान की गेम्स किस तरह की हो रही हैं कि वो क्या, बल्कि तालिबान से पहले हम बात करेंगे फैजुल हसन चौहान की, जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन है, यानी पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, और अभी वो किसी फंक्शन में गए थे जहां पे उन्होंने रिबन काटनी थी, तो देखिए जरा कि वो क्या कर रहे हैं। जी तो आपने देखा कि किस तरह के वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड किस्म के जो है वो हमारे स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, और इनको देखकर मुझे यकीन है कि खास तौर पे बांग्लादेश तो नहीं लेकिन भारत के पॉलिटिशियन जरूर जेलस हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली क्वालिटी जो है आपको यहीं पे नजर आएगी। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये इस तरह के पॉलिटिशियन हमने भी और कहीं नहीं देखे। लेकिन खैर बात हम कर रहे थे तालिबान की, और तालिबान में और जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक ही बात है जो एक जैसी, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन एक बात है बिल्कुल सेम टू सेम, वो ये कि तालिबान को भी समझ नहीं आ रही कि मुल्क को कैसे चलाना है गवर्नमेंट मिलने के बाद, और इमरान खान साहब को भी समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं, 3 साल तो हो गए हैं लेकिन खान साहब से गवर्नमेंट चल नहीं रही और वो अभी तक सीख रहे हैं, हो सकता है आगे जाके भी यही कुछ चलता रहे। लेकिन हम सुनते ये हैं कि आखिर शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे।
जी, तो देखा आपने, तालिबान हमने क्रिएट किए, तालिबान को हमने तालीम दी, तालिबान यहाँ पैदा हुए, बहुत से तालिबान तो लीडर यहाँ पे पैदा तक हुए हैं। तो बिल्कुल शेख रशीद साहब कभी कभी सही बात बात बता ही देते हैं, उनके मुंह से बात निकल ही जाती है, और शायद इसीलिए वो काफी फेमस भी हैं अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जी अगर हमने कुछ अमेरिकन फौजियों को यहाँ पे रख लिया तो उस पर इतना हंगामा करने की क्या बात है? अगर अमेरिका हमारे पापा जॉन्स पिज्जा को पना दे सकता है तो हम उनके कुछ फौजी क्यों नहीं रख सकते? और वैसे भी हो सकता है कि वो इसलिए रुके हों कि उन्हें यहाँ से कुछ बिजनेस सीखना हो, वो ये सोच रहे हों कि ये देखें कि जी फौजी सीरियल कैसे बनाते हैं, पैम्पर कैसे बनाते हैं, डीएचए के प्लॉट कैसे काटे जाते हैं, कॉर्नर का प्लॉट कैसे मिलता है, या फिर ये कि फौजी सीमेंट कैसे बनाते हैं, और कई दूसरे चीजें आपको मालूम ही है, ब्रेड से लेके और सीमेंट तक, और दूसरी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फौजी बनाते हैं, और फौजी फाउंडेशन के नाम पे, और पता नहीं क्या क्या, जिसके अब इन्होंने ये भी कह दिया है कि टैक्स भी उनसे नहीं लिया जाएगा। तो हो सकता है इस तरह का बिजनेस कुछ सीखने के लिए रुके हो, इसलिए कि जो बिजनेस की तरीका या जो बिजनेस का माइंड हमारे आर्मी के लोगों में है वो और कहीं नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि एक एम्बेसी की बिल्डिंग तक बेच चुके हैं बड़े ही कॉन्फिडेंट होके, और उसके बाद ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई माफी है, और ना ही कुछ और बात की जाती है, बल्कि कहा जाता है कि जी आप क्यों बात करते हैं, नहीं हमारे अगेंस्ट, हालांकि हम आपके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे सर, हम तो आपके कारनामे बता रहे हैं और दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो भी कुछ सीख जाए आपसे, तो अच्छा ही होगा ना। बिजनेस तो हर एक को आना ही चाहिए। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। अब ये फौजी किसी के घर जाकर कहे हमें पनाह चाहिए तो कौन कह सकता है एब्सोल्युटली नॉट। इंसानियत भी कोई चीज होती है। जी ये वीडियो आपने देखी तो बिल्कुल ये कोई मुझे तालिबान जैसे ही लग रहे थे, लेकिन अच्छे मिजाज के लग रहे थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि जी अगर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी सबसे बड़ी करप्शन क्या होती है? उनकी सबसे बड़ी करप्शन ये होती है कि जब वो रिटायर्ड जनरल्स या ऑन ड्यूटी जनरल्स की करप्शन के ऊपर बात नहीं करते। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की गर्दन जो है वो तो बड़ी जी पतली होती है, हम उन्हें किसी वक्त भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और कोई मना भी नहीं करता, कोई कुछ कहता भी नहीं है, बेचारे सुन लेते हैं, इतने मासूम से होते हैं। लेकिन क्या जबरदस्त बात की थी आसमा जहांगीर साहिबा ने, कि वो कहा करती थी कि अगर इन रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल्स की करप्शन के केसेस सामने आ जाएं तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो मतलब उनके सामने मासूम से बच्चे लगने लगेंगे कि उनकी करप्शन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन खैर लोग बात करते हैं, लोग चले जाते हैं, उनके अल्फाज यहीं रह जाते हैं, उनकी बातें यहीं रह जाती हैं। लेकिन अगर हम उसी पे थोड़ा सा गौर कर लें तो शायद हम पाकिस्तान को किसी बेहतर पोजीशन पे ले जा सकें और पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव बना सकें। खैर हम आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। नदीम उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत अच्छा उनका उन्होंने खेला, बहुत अच्छा, और बड़ी मेहनत नजर आ रही थी, बड़ी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बड़ी ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, डिसिप्लिन था, और बहुत ही जबरदस्त खेला। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे हीरोज को जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलते हैं। जी, तो मीरा जी का कहना था कि उनका ख्याल है कि अर्शद नदीम ने जो है वो जाकर वहां पर ओलंपिक्स में क्रिकेट खेली है। खैर ये इस तरह की बातें करती रहती हैं और अक्सर इनके इसी तरह के जोक्स भी बनते रहते हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनको मैं आपने उनको देखा है, मैंने आपको पहले भी उनकी पिक्चर दिखाई थी और अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ, मिल गई। ये जी उस्मान बुज़दार साहब हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि इनके काम जो है वो लोगों को नजर नहीं आते, तो बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान साहब के अपने भी जो डेवलपमेंट के काम है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो भी किसी को नजर नहीं आते। उसे खान साहब की शादी और खान साहब की गवर्नमेंट दोनों को तकरीबन 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं मिली है।
तो देखते हैं कि खान साहब कब गुड न्यूज देते हैं, खास तौर पे जब से गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट की तरफ से तो कम से कम दे दें, घर की तरफ से नहीं देनी तो ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो खान साहब कोई ना कोई गुड न्यूज लेकर आए, ताकि पब्लिक जो है वो इतनी परेशान है कि ना तो लोग अपने यूटिलिटी बिल्स दे पा रहे हैं, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है लोगों के पास, हेल्थ सेक्टर में लोगों के पास सख्त परेशानी है, उनको उस तरह से हेल्थ सेक्टर में भी उनको मेडिसिन वगैरह सब बहुत महंगी हो गई है, पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है, बल्कि ये सब चीजें खान साहब को, मुझे यकीन है खान साहब ने टीवी से देख लिया होगा, खान साहब को पता भी लग गया होगा। अब जैसे देखें ये अगस्त 2018 में घी की प्राइस जो थी वो 150 रुपीज पर केजी थी, और अब अगस्त 2021 में वही घी की प्राइस जो है 1 kg वो मिलती है 330। तो बिल्कुल खान साहब इस तरह से प्राइसेस हर चीज के बढ़ चुके हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपने। साथ ही साथ खान साहब की एक स्टेटमेंट और आई इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि ये जी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि यहाँ पर 2 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। ये तो हम कब से कह रहे हैं, मैं तो मेरे ख्याल 2018 में भी मैंने 2-3 शोज किए थे और क्लिप भी बनाए थे, और कब से बोलती जा रही हूँ स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम करने की जरूरत है, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, बल्कि जो बच्चे स्कूल के अंदर हैं उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, और खासतौर पर वो बच्चे जिनको आप मदरसे में भेजते हैं, उन मदरसों को बंद कीजिए, उन मदरसों को बंद कीजिए। जब तक ये मदरसे बंद नहीं होंगे, पाकिस्तान में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बेटर नहीं होगा। कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की इज्जत करे या पाकिस्तान को अच्छी नजर से देखे, ऐसा नहीं हो पाएगा, और हमारा सारा टैलेंट तो बाहर चला जाता है और हमें बुलाने पड़ जाते हैं ये मोहित यूसुफ साहब जैसे लोग। ये मेरा ख्याल है इनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो बाइडन की कॉल आ गई है तो इसलिए ये खुशी के मारे सो गए हैं या मुस्कुरा रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं कि जो बाइडन की कॉल आई है, और इसलिए बड़े खुश लग रहे हैं मुझे। लेकिन खैर हम अगर अपने ही लोगों को प्रोमोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा जो मुल्क के अंदर रहते हैं, और आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से एजुकेशन में और हर फील्ड में पाकिस्तान को इस वक्त सख्त काम करने की जरूरत है। एक वीडियो और। ये मुझे लग रहा है कि कोई ये तालिबान है जो खेल रहे हैं और ये जूते चप्पल एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, ये मुझे कोई तालिबानी लोग ही लग रहे हैं। लेकिन खैर हम आपको ये बता दें कि जी अमेरिकन फौजी जो यहाँ पर आके रुके हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इस्लामाबाद में सब लोग आए हैं, तो उनकी जो हिफाजत का काम किया गया यानी उनकी सिक्योरिटी का काम जो है वो पंजाब पुलिस को दिया गया। और पंजाब पुलिस हमारी बड़ी मशहूर है इसके सिलसिले में कि जी वो इनकाउंटर करने में, लोगों को गोलियां मार देने में, लोगों को मतलब कई साहिवाल वाला वाक्य आपको याद होगा जिसमें पूरी फैमिली को उन्होंने उड़ा दिया था, इसी तरह से बहुत सारे और दूसरे इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि हमारी पंजाब पुलिस जो है बहुत मशहूर है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिकन फौजियों को कोई बदवाई लगी है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गए हैं और अब उनकी हिफाजत करेगी पंजाब पुलिस। तो आपको पता है जो पंजाब पुलिस होती है ना हमारे यहाँ की, वो काफी खतरनाक होती है। तो अब देखते हैं कि ये लोग क्या सीख कर यहाँ से जाते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कह दूं कि जी अफगानिस्तान में जो मुसलमान हैं उनको शरई निज़ाम मिला हुआ है, पाकिस्तान के मुस्लिम जो है वो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेक्युलर सिस्टम मिला हुआ है, लेकिन खुश तीनों ही नहीं है। तीनों को प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी खुश नहीं है वो लोग, हिंदुस्तान के मुसलमान भी खुश नहीं है, और पाकिस्तान में भी चाऊ चाऊ होती रहती है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये मुस्लिम्स आखिर चाहते क्या है, आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है, कोई ना कोई हल तो होगा इनके प्रॉब्लम का। लेकिन उससे पहले हम देखें कि फिरदौस आपा क्या कह रही है। ये पहला दौरा था जिसमें वो भिखारी बन के नहीं, वो इस कौम का फखर बन के गए थे।
और ये किसको कह रही हैं कि भिखारी बनकर नहीं गए थे, मुल्क का फखर बन के गए थे। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की ये बात कर रही होंगी, क्योंकि लोन वगैरह अक्सर मांगते रहते हैं और उसी से हम कंट्री रन कर रहे हैं, इसलिए कि खुद तो हम कोई चीज प्रोड्यूस करते नहीं है कि हम बाहर भेज सकें, और इस चीज के ऊपर ना ही कोई हम चाहते हैं। हमें इजी पैसे की आदत पड़ गई है, हमें इस चीज की आदत पड़ गई है पाकिस्तान में कि जी इधर से पैसे पकड़ लो, उधर से पैसे पकड़ लो, और बस जी 5 साल निकालो अपनी गवर्नमेंट के, और फिर देखा जाएगा। फिर अगली गवर्नमेंट आएगी, वो पिछली गवर्नमेंट को कहती रहेगी कि जी जो ये पिछले गए हैं इन्होंने ये कर दिया। अभी जैसे बार बार हर चीज नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो मोटरवेज नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी वो इतनी अच्छी नहीं है, और अब इमरान खान साहब खुद को ही मोटरवे बनाने लगे हैं और उनका ख्याल है कि वो बहुत अच्छे बनाएंगे, और यकीनन जो नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है उससे तो बहुत बेहतर होंगी। एक साहब मुझे मिले चकवाल के, वो कहने लगे जी अगर चकवाल में कोई लड़का जो है वो ग्रेजुएशन कर लेता है और अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है तो हम उसको स्कूल टीचर लगा देते हैं, और अगर कोई लड़का फेल हो जाता है तो हम उसे फौज में भेज देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें अच्छी बात क्या है और इसमें बुरी बात क्या है, लेकिन खैर उन साहब ने ये कहा तो ठीक ही कह रहे होंगे वैसे। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बुशरा बीबी की वीडियो बहुत पसंद की है, और मुझे जो लोगों ने कहा है दोबारा देखने के लिए, सिर्फ उनके लिए लास्ट टाइम एक दफा और दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूँ। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूँ और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खान साहब एक नहायत सादा तबीयत आदमी है, बेइंतहा सादगी उनकी तबीयत में, यानी कि आप ये समझें कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूँ। तो खान साहब ने कहा है कि 2 प्याली चाय हम दोनों मियाँ बीबी को चाहिए, तुम 1.5 बनाया करो, आधा कप चाय का बच्चा करेगा, पौनी पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजियां नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोजा चढ़ा देती हूँ, चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा सा रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी, मोजे का दम। सोचें, लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, 6 ठुडे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था, खान साहब को तो मैं कान पकड़ लिया खड़े रहते हैं। सादगी का ये आलम है जनाब, हम दोनों मियाँ बीबी के पास एक जोड़ चप्पल है, सीधे पांव में वो पहनते हैं, उल्टे में मैं पहनती हूँ, सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, ऐसे ऐसे हम दिन काट रहे। दिल पे पत्थर रख लिए मैंने, दिल पे पत्थर रख लिए मैंने, खान जी से कहा एमरल्ड्स, फायर, रूबी, डायमंड्स, जो भी दो मैं कोई अपने जेवर में नहीं चढ़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी अपने सारे पूरे पत्थर, मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए, बड़ा प्यार है हमारे इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौकिलों से कह के चिड़िया बनवा देने मैंने आप लोगों को। तो देखा आप लोगों ने, आप लोगों ने कोई बकवास नहीं करनी वरना इन्होंने चिड़िया बनवा देना आप लोगों को। लेकिन हाँ एक चीज और है, वो ये कि मैं ये सोच रही थी कि अमेरिकन आर्मी के लोग जो यहाँ पर आए हैं, ऐसा ना हो वो यहाँ की खुशहाली देखकर और ये देखकर कि इतनी जबरदस्त तरीके से खान साहब कंट्री चला रहे हैं, ये ना हो कि कहीं वो अमेरिका वापस जाने से इनकार कर दें और कहें नहीं जी हमने तो यहीं पर रहना है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अमेरिका के अलावा, यानी खान साहब जो है वो हर वक्त कहते रहते हैं जी करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, तो अगर चाइना का बहुत गाना गाया जाता है, चाइना बड़ा फेवरेट है इमरान खान साहब का, अगर वो चाइना के तरीके पे चलें और तकरीबन 500 करप्ट लोगों को फांसी लगा दें तो शायद करप्शन खत्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनमें से 500 में से 495 तो खुद खान साहब के साथ ही हैं गवर्नमेंट में, तो खान साहब अपनी पूरी गवर्नमेंट तो नहीं गिरा देंगे ऐसा करके। तो जाहिर है जिस तरह के करप्शन के केसेस इनके अपनी गवर्नमेंट में से निकलते चले आ रहे हैं, वो भी काफी लोग जो है वो उसको देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और यही चीज शायद खान साहब को सूट नहीं करती कि लोगों को जो है वो समझ आ रही है। साथ ही साथ हम लास्ट में आपको ये बता दें कि जी अमेरिका के हम इतने काम आ रहे हैं, कभी उनके फौजी रख रहे हैं, कभी हम उनकी बात मान रहे हैं, हर चीज पे यस सर कह रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं कहते, एब्सोल्युटली नोट अलबत्ता हमने कहा था, जो हमें मिल रहे हैं उनके फौजी रखने की वजह से, नोट तो हमें जाहिर है नोट तो आप समझते हैं नोट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो हम ले ही रहे हैं। लेकिन बात यह कि इमरान खान साहब की हर बार दो तरह की स्टेटमेंट आती है। एक दफा उन्होंने कहा कि एक बार एक स्टेटमेंट उनकी आई कि जी मुझे फौज लेकर नहीं आई है,
ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब की है। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा फौज के पास मेरे अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो अब हम समझे तो क्या संजय खान साहब की इस बात को, पता नहीं क्या कहते हैं हर दफा, इसी हर बार खान साहब के यही तरीका है, एक एक बात को दो तरह से कह देते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने बाल नोच नोच के पागल हो जाते हैं कि पता नहीं कहना क्या चाहते हैं। कह हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बढ़ते हैं, बस जी वीडियो खत्म हो गई, आप लोग के पास इतना फालतू टाइम होता है, आप लोग यहाँ बैठ के वीडियो देखते रहते, कोई ढंग का काम कर लिया करें। और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि वो हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त शाज़िया इल्मी आई थी, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं आप में से कि वो सनी देओल जी जो है वो उनकी पार्टी के हैं, और बल्कि जहाँ से शाज़िया ने इलेक्शन जीता है वहां से ही मतलब सनी जी भी हैं। तो मैं उनको जरा हैंडपंप का ही बता देती, आप लोग भी अजीब है, मुझे लगता है आप लोगों की नीयत भाई खोट है, अब वापस ही नहीं करना चाहते हमारा हैंडपंप। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने भी जो है ना कुछ 4 to 6 weeks का टाइम दे दिया। उनके पीए ने कॉल किया था सनी जी के, क्योंकि खुद करते तो उनको डर लग रहा था, वो मुझे कॉल करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे। तो आप लोग उनको कह सकते हैं कि वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो कि वो कितने दिन में हमारा हैंडपंप वापस करेंगे। तो वो सब बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे, मैं शाज़िया को भी कह सकती थी लेकिन बस मुझे पता ही नहीं था कि वो उनको जानती हैं, बल्कि उन्हीं की पार्टी के हैं। तो खैर नेक्स्ट टाइम सही, जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मैं जरूर उनको कह दूंगी, बल्कि आज मैं भी व्हाट्सएप कर देती हूँ उनको मैसेज, हाँ ऐसी क्या बात है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए, और डॉक्टर से मैं कह रही हूँ कि आप लोग चेकअप जरूर करवा लिया करें, एक मंथ में या दो मंथ में एक बार जाके अपना फुल चेकअप जरूर करा लिया करें। आजकल अजीब अजीब सी न्यूज आती है, बुरी बुरी बल्कि बाज़ दफ़ा न्यूज आ जाती है, यंग यंग से एक्टर्स हैं और उनके बारे में न्यूज आ जाती है, जैसे अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी का आया, बड़ा मुझे अफसोस हुआ, और एक दो मैंने उनके टीवी प्लेस भी देखे थे, तो इतने यंग यंग से देखें लड़कों को जो है इस तरह के हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना बस खुश रहा करें, खाया पिया करें और पानी वगैरह ज्यादा पिया करें और अपने चेकअप रूटीन में करा लिया करें तो बेहतर होगा, और घर वालों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। मेरा पीछा छोड़े, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है, चल फालतू नहीं बैठी रहती आप लोगों की तरह पूरा टाइम यहाँ बैठ के वीडियो देखते रहते हैं, कोई ढंग का काम आप लोगों ने कभी लाइफ में किया नहीं है। तो आपसे मुलाकात होगी कल।